मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संबल योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित करेंगे। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर जिले के मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना के तहत मुख्यमंत्री 30,000 से ज्यादा मामलों का भुगतान करेंगे। सिंगल क्लिक से सीएम डॉक्टर मोहन यादव 678 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। संबल योजना के कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम, जहां पर संबल योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि वितरित करेंगे सीएम। वहीं जानकारी के मुताबिक ग्वालियर जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के तहत मुख्यमंत्री 30,000 से ज्यादा मामलों का भुगतान करेंगे। सिंगल क्लिक से सीएम डॉक्टर मोहन यादव 678 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। संबल योजना के कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे। हितग्राहियों को कल सहायता राशि दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल संबल योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि देंगे। एक बड़ी सौगात, जन कल्याण संबल योजना 2.0 के तहत मुख्यमंत्री 30,000 से अधिक मामलों का भुगतान करेंगे। सिंगल क्लिक से सीएम डॉक्टर मोहन यादव 678 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे। एक बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं और संबल योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि दी जाएगी। कल ये सहायता राशि सीएम मोहन यादव देंगे। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के तहत मुख्यमंत्री 30,000 से अधिक मामलों का भुगतान करेंगे। सिंगल क्लिक से सीएम डॉक्टर मोहन यादव 678 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। संबल योजना के कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे। 30,000 से ज्यादा मामलों का भुगतान सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, कल सीएम एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं संबल योजना 2.0 के माध्यम से, क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के जो संबल के पात्र हितग्राही हैं, 30,591 जो प्रकरण है उनके खातों में 678 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जारी करेंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार हैं, जो संबल के हितग्राही हैं, उनको कितनी बड़ी ये सौगात मिलने वाली है। 30,591 मामले लंबे समय से लंबित थे, संबल के हितग्राही इंतजार कर रहे थे कि उनको सरकार कब संबल देगी, और अब वो घड़ी आ गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये जो संबल के जो हितग्राही हैं प्रेरणा, उनको सौगात देने वाले हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, क्योंकि कल का दिन जो है वो एमपी में चार चांद लगा देगा और जिनको जरूरत है उनके लिए सरकार साथ में खड़ी नजर आएगी। 30,000 से ज्यादा मामलों में देखिए बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बाकी दूसरे नेताओं की मौजूदगी में संबल के जो हितग्राही है उनको ये सौगात मिलने वाली है। वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होते हैं और जो संबल योजना के तहत सरकार कमजोर वर्ग के परिवारों को देखिए अलग अलग जो सुविधाएं वो मुहैया कराती है। इनके जो बच्चे हैं संबल योजना के हितग्राहियों को उनको मुफ्त शिक्षा देना, उनको पीएम आवास देना, उनके आर्थिक जीवन को ऊपर उठाना, मध्य प्रदेश को डेवलप स्टेट की श्रेणी में और अब्बल लेकर जाना, ये बहुत मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। संबल को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में चरम पर होती रही है और ऐसे में अब एट द एंड मध्य प्रदेश की सरकार संबल के जो पात्र हितग्राही हैं उनको बड़े पैमाने पर फायदा देने जा रही है। निश्चित रूप से तो संबल प्रदान करेगी ये योजना उन वर्गों को। आप बने रहिए प्रमोद हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।